रबड़ी में केसर रहता है, बादाम रहता है, काजू रहता है, और ये मलाई से बनती है, ये दूध की मलाई से। ये 20 लीटर दूध में कम से कम 4 किलो ही बनती है बस। सो 20 लीटर दूध में से सिर्फ 4 किलो ही रबड़ी बनती है, क्या बात है। अमूल गोल्ड की दूध, यहाँ पे 200-300 कुल्हड़ बिक जाता है, डेली बिक जाता है, क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के सूरत सिटी में, और यहाँ पे हम ट्राई करने वाले राजस्थानी लच्छेदार रबड़ी। सो भैया, यहाँ पे रबड़ी की प्राइस क्या है? 80 रुपीस कुल्हड़ में 80 रुपीस। ये बड़ा ग्लास आता है, मतलब ये बड़ा कूलर आता है? हाँ, बड़ा कूलर। और इससे छोटा चाहे तो मिल जाएगा? इससे छोटा नहीं मिलेगा, ये सबसे ग्लास। क्या बात है दोस्तों, देख रहे हो कितनी गाड़ी है। भाई जी, आप यहाँ पे हर रोज के कितने रबड़ी बेच लेते हो? यहाँ पे 200-300 कुल्हड़ बिक जाता है, डेली बिक जाता है। क्या बात है। और सुबह कितने बजे आते हो यहाँ पे? 11 बजे से शाम को 9 बजे तक रहते हैं, 11 से लेकर शाम को 9 बजे तक। और ये रबड़ी की स्पेशलिटी क्या है, रबड़ी में क्या क्या रहता है? इस रबड़ी में केसर रहता है, बादाम रहता है, काजू रहता है, और ये मलाई से बनती है, ये दूध की मलाई से। ये 20 लीटर दूध में कम से कम 4 किलो ही बनती है बस। सो 20 लीटर दूध में से सिर्फ 4 किलो रबड़ी बनती है, क्या बात है। अमूल गोल्ड की, वो भी अमूल गोल्ड के दूध में से। ये रबड़ी तो सूरत में हर जगह मिलती है, वो अमूल रबड़ी मिलती है, पर ये लच्छेदार रबड़ी है ना, कहीं पे सूरत में देखने को तक भी नहीं मिलेगी आपको। क्या बात करो, यहीं पे मिलेगी सिर्फ और सिर्फ आपके। फेमस रबड़ी है ये, आबू की फेमस रबड़ी है, यहीं पे मिलेगी आपको। तो भैया, अभी इसमें टॉपिंग में कुछ ले लेगा, ड्राई फ्रूट वगैरह? हाँ, इसमें टॉपिंग में कुछ डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमने पहले से इतना ड्राई फ्रूट डाल दिया कि टॉपिंग में डालने की जरूरत नहीं। मतलब इसमें क्या क्या डाला आपने? इसमें इलायची, काजू, बादाम, केसर और सारे जो प्रीमियम ड्राई फ्रूट है वो सब डाले इसमें, क्या बात है। दोस्तों, यहाँ पे रेडी हो चुकी है हमारी राजस्थानी लच्छेदार स्पेशल रबड़ी। और भैया, यहाँ पे रबड़ी के अलावा और क्या क्या चीज़ें मिलती है? दाल वड़ा, दाल वड़ा भी मिलता है। उसकी प्राइस क्या है प्लेट की? 40 रुपये। 40 रुपये प्राइस है। उसमें कितने पीस रहते हैं? उसमें कम से कम 8 से 10 पीस आते हैं। 8 से 10 पीस आते हैं, क्या बात है। तो भाई, आप ये दाल वड़ा बना रहे हो? हाँ। वैसे दाल वड़ा बनता किस तरह से, इसमें क्या क्या रहता है? इसमें ये मूंग की दाल का होता है, इसमें अदरक, मिर्ची, लहसुन, प्याज, हरा धनिया और गरम मसाला, सब और मसाले सभी रहते हैं, मीठा सोडा भी आता है इसमें। इससे बंदा फ्राई करके बनाते हैं। तो दोस्तों, हमने ऐसे ऑर्डर की है एक रबड़ी जिसकी प्राइस है 80 रुपये, और साथ में ऑर्डर की है एक दाल वड़ा की डिश जिसकी प्राइस है 80 रुपीस। इसमें हमें इसके साथ ग्रीन चटनी मिलती है। सो कैसी लगी? बहुत बढ़िया। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है। वैसे मम को अक्सर स्वीट खाना कम पसंद है, पर आज यहाँ पे लच्छेदार रबड़ी ट्राई कर रहे, मुझे भी देख के हैरानी हो रही है, इतनी अच्छी है। बहुत अच्छी है, तो मुझे भी ट्राई करनी है, चलो जल्दी से। सो दोस्तों, अगर आप भी हमें तरह राजस्थानी रबड़ी पीना चाहते हो तो ये जो जगह है वो आपके लिए बेस्ट है। और भाई, यहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या है? ये सफल स्क्वायर के जस्ट नीचे, पैन सोपट मॉल के सामने। और आपके कार्ड का नाम क्या है? श्री श्याम लच्छेदार रबड़ी। ओके, श्री श्याम लच्छेदार रबड़ी सूरत।